पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। खबर चाहे नीति की हो या राजनीति की, शासन से जुड़ी हो या प्रशासन से, सदन से सचिवालय तक, की हर वो खबर जो निकली तो सियासी या सरकारी गलियारों से है, लेकिन उस खबर का आपसे भी है सरोकार। तो आइए शुरू करते हैं दिन भर की सियासी और ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी खबरों का विश्लेषण, और शुरुआत करते हैं पॉलिक्रेसी डीएनए। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज एक बार फिर आंदोलन के ट्रैक पर आ गए हैं। गुर्जर समाज द्वारा आरक्षण के लिए दी गई समय सीमा खत्म होने के साथ ही किरोड़ी सिंह बैसला ने रेलवे ट्रैक की तरफ कूच का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि सबसे आगे बैसला खुद रहेंगे, वही युवा सबसे पीछे रहेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा, जिसे देखते हुए रेलवे ने दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक पर ट्रेनों को रोक दिया है। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में, चौहानपुरा मकसूदनपुरा में देव नारायण मंदिर पर महापंचायत के दौरान कूच का ऐलान किया गया। करीब 4000 लोग इस दौरान बैसला के साथ रेलवे ट्रैक पर हैं। वही सरकार ने गुर्जरों से वार्ता के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी में मंत्री विश्वेंद्र सिंह, रघु शर्मा, मास्टर भंवरलाल को शामिल किया गया, और ये कमेटी गुर्जरों की मांगों पर वार्ता करेगी। वही गुर्जरों से वार्ता के लिए सरकार ने आईएएस नीरज के पवन को अधिकृत भी किया है। नीरज के पवन पहले भी गुर्जर आंदोलन में मध्यस्थता कर चुके हैं। गुर्जर समाज की मांग है कि सरकार सभी प्रक्रिया पूरी करके 5% आरक्षण बैकलॉग के साथ दे। इससे पहले 24 सितंबर 2015 को विधानसभा में SBC विधेयक पारित हुआ था। राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर 2015 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू किया। 14 महीने चला और 9 दिसंबर 2016 को हाईकोर्ट ने इसे खत्म किया। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन आइए चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि एक दशक से जारी गुर्जर आरक्षण आंदोलन का आखिर इतिहास यहाँ पर क्या है। तो चलिए इतिहास को समझते हैं कि आखिर गुर्जर आरक्षण आंदोलन का इतिहास क्या रहा है। गुर्जर समाज पिछले 14 सालों से यहाँ पर आरक्षण की मांग कर रहा है। 2006 में उठी थी आरक्षण की पहली मांग, तो ये पहली मांग 2006 में उठी थी। इसके बाद 2007 में गुर्जर आंदोलन देश भर में सुर्खियों में आया था, ये 2007 में से हुआ, और 2007 की बात कर रहे हैं जब उग्र हो गया था ये गुर्जर आरक्षण आंदोलन, तो 2007 में ही सबसे ज्यादा उग्र हुआ था ये गुर्जर आरक्षण, जो कि एक बार फिर से अब इसकी आंच तेज हो चुकी है। 23 मार्च 2007 को पुलिस कार्रवाई में 26 लोग मारे गए थे, ये पहली कार्रवाई गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर हुई थी। इसके बाद 2008 में भी गुर्जर सड़कों पर उतरे और आंदोलन फिर से यहां पर शुरू हो गया था, ये 2008 में। 2007 में 26 लोगों की मौत हुई थी। राजस्थान के भरतपुर और दौसा जिलों में जमकर उपद्रव हुए थे, ये दो जिले थे जब सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे आंदोलनकारी। दौसा से भरतपुर और अलवर तक पटरियों और सड़कों पर बैठ गए थे ये सभी आंदोलनकारी। दो अहम जिले ये थे जो ज्यादा प्रभावित हुए। कई जगह पटरियां उखाड़ कर भी फेंक दी गई थी। किस तरह के हालात बने थे इससे समझा जा सकता है। ये आंदोलन इतना बढ़ गया कि कई दिनों तक रेल मार्ग यहाँ पर बाधित भी रहा है इस आंदोलन की वजह से, और इससे समझा जा सकता है कि कितना बड़ा यह आंदोलन हुआ था। देश के अन्य हिस्सों से पूरा इलाका कट गया था, जिस तरह से पटरियां उखाड़ दी गई थी, कनेक्टिविटी यहां पर खत्म हो गई थी। देश के दूसरे हिस्सों की अगर हम बात करें वहां से, आंदोलन के दौरान गुर्जरों और पुलिस के बीच कई बार झड़पें हुई हैं, यानी एक दो बार की बात नहीं, कई बार झड़प यहां पर पुलिस के साथ आंदोलनकारियों की हुई थी, गुर्जरों की हुई थी जब यह आंदोलन चल रहा था। एक बार पुलिस से झड़प में 38 लोग मारे गए थे, याद होगा आपको 2007 में 26 लोग मारे गए थे, तो एक बार फिर पुलिस से झड़प में जब हुई तो 38 लोग मारे गए थे इस आंदोलन के दौरान। पिछले एक दशक से गुर्जरों का आरक्षण के लिए ये आंदोलन का दौर चल रहा है, अभी तक जारी है, और इसे एक दशक यहां पर हो चुके हैं जिस तरह से ये आंदोलन अभी भी चल रहा है। बैसला की 5% आरक्षण की मांग पर 2015 में फिर से आंदोलन शुरू हुआ, यानी कि ये जो 5% की मांग है ये लगातार जारी रही, और इसके बाद एक बार फिर से 2015 में इसने रफ्तार पकड़ी, और 2015 में फिर से करो या मरो की ठान कर गुर्जर समुदाय सड़कों पर उतर आया था, यानी एक बार फिर से जो थोड़ा गैप था उसके बाद 2015 में ये आंदोलन ऊपर आया। 2015 में भी रेल की पटरियां उखाड़ दी गई थी और रेलवे ट्रैक पर कब्जा भी कर लिया गया था, यानी 2015 में एक बार फिर से ये शुरू हुआ और वही हालात बनते नजर आए। 2015 में करीब सप्ताह भर चले आंदोलन के दौरान यहां पर जमकर तांडव हुआ था। तो ये तस्वीर जो 2006, 2007, 2008 में हमने देखी, 2015 में एक बार फिर सामने आया। 2015 में हुए इस आंदोलन में अकेले रेलवे को करीब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था। तो अब समझा जा सकता है क्यों आखिर घबराहट होती है, क्यों डर लगता है आमजन को भी जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन की बात होती है, और इस तरह से रेलवे ट्रैक पर जब ये गुर्जर बैठते हैं, आंदोलनकारी बैठते हैं, पटरियां उखाड़ते हैं, रेलवे रुकती है, तो यही वजह है यहां पर ये डर एक बार फिर से कायम हो जाता है।
चलिए बढ़ते आगे। 5% आरक्षण के लिए गुर्जर एक बार फिर से आंदोलन छेड़ दिया है इन लोगों ने। वही आंदोलनकारी गुर्जरों से सीएम अशोक गहलोत शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि बातचीत करना चाहे तो सरकार के द्वार खुले हैं और इस प्रकार आंदोलन करना उचित नहीं है। साथ ही सीएम गहलोत ने कहा है कि हमारी सरकार ने पहले भी बात सुनी और मांगे मानी है। राज्य सरकार के स्तर पर कोई भी काम बाकी नहीं है और अब जो कुछ भी करना है केंद्र सरकार को ही करना है। फिर भी कोई गलतफहमी तो सुझाव दिया जा सकता है और सरकार सुझाव पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ये बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही है कि चर्चा के लिए सरकार तैयार है, सरकार के दरवाजे यहाँ पर खुले हुए हैं, लेकिन अब जो करना है वो केंद्र सरकार को करना है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनाते हैं। जो फैसले होने चुके हैं अब तो केंद्र सरकार ने जो बिल पास किया है एबीसी का, उस रूप में कोई अगर एसपीसी का कोई सोच होता है केंद्र का तो पार्लियामेंट भी संशोधन सकता है। स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर कोई काम बाकी रहा नहीं सर, उनको समझाने के लिए कोई कमेटी और फिर भी कोई अगर गलतफहमी है तो सरकार हमें तैयार है बात सुनने में। जो उनके सलाह होंगे उसके अकॉर्डिंग जो अगर सरकार के लिए कुछ बना बाकी रहे तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। पहले भी हमारी गवर्नमेंट थी तो 5 साल तक जो हमारी एसपीसी के लोग हैं उनकी जितनी मांगे थी उनको पूरा करने का प्रयास किया और कई बार हाईकोर्ट में रोक भी लगा दी। हाईकोर्ट को बात हम लोग कुछ कर नहीं सकते और जहाँ तक आज अगर वो तो गुर्जर आरक्षण को लेकर जिस तरह से लगातार मांग उठती है, आंदोलन किए जाते हैं, ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या गुर्जरों की मांग कानूनी रूप से संवैधानिक है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर जो इनकी मांग है क्या वो सही है। पूर्व में अदालत ने खारिज कर चुकी है आरक्षण के विधेयक की, जो पहले लाया गया था इस विधेयक को खारिज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट भी 50% से अधिक आरक्षण को यहाँ पर खारिज कर चुकी है, यानी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंचा तो उसने भी इसे खारिज किया है। जातिगत आधार पर आरक्षण देने को लेकर यहाँ पर इसे खारिज किया गया था क्योंकि ये जातिगत आधार पर आरक्षण मांगा जा रहा था और इसलिए इसे खारिज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खारिज किया। अब सवर्णों की तर्ज पर 5% आरक्षण गुर्जर चाहते हैं क्योंकि अब 10% सवर्ण आरक्षण की यहाँ पर बात कह दी गई है। क्या आर्थिक आधार पर भी यहाँ पर मिलना चाहिए यहाँ पर आरक्षण, इसे लेकर भी लगातार सवाल जरूर उठते हैं। राज्य में गुर्जरों को भी किया जाता है आर्थिक आधार पर शामिल, तो अगर आर्थिक आधार पर है तो उसमें गुर्जर भी शामिल हो तो राज्य में आरक्षण का कुल कोटा यहाँ पर 64-65% हो जाएगा। यानी इसे समझिए, अगर इन सबको जोड़ा जाए तो 64-65% ये आरक्षण होगा जो कि मुमकिन नहीं है और इसीलिए कहा जा रहा है कि संवैधानिक तौर पर ये पॉसिबल नहीं है और यही वजह है कि ये बहुत लंबा खिंच रहा है, इस पर कोई परिणाम यहाँ पर नहीं निकल कर आ पा रहा है। और चलिए कुछ और अहम खबरों का भी रुख कर लेते हैं। कांग्रेस का मिशन 25 यहां पर, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले दिल्ली में कल अहम मीटिंग होगी मिशन 25 को लेकर। सचिन पायलट कल ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और सीएम अशोक गहलोत भी आज शाम दिल्ली जाएंगे, यानी कि आज दिल्ली पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। 25 सीटों के पैनल पर विस्तृत चर्चा होगी, स्क्रीनिंग कमेटी में इस पूरे पैनल को रखा जाएगा। उम्मीदवारों का मापदंड भी यहां पर तैयार होगा कि आखिर कौन इस मापदंड पर खरा उतर रहा है, किसे इस सीट से टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था जब पीसीसी में लगातार बैठकों का दौर जारी था और मिशन 25 को लेकर ही ये पूरा मंथन यहां पर किया जा रहा था और अब दिल्ली में कल अहम बैठक होने वाली है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं, अशोक गहलोत भी आज दिल्ली पहुंच जाएंगे, जिसके बाद कल अहम बैठक होगी और इसमें पूरा पैनल रखा जाएगा कि आखिर 25 सीटों को लेकर कांग्रेस किस पर ज्यादा दाव लगाना चाहती है। हालांकि अंतिम फैसला तो आलाकमान को ही करना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भाजपा की बात करते हैं। भाजपा का जेल भरो आंदोलन जिस तरह से आज रहा है, दावे के मुताबिक यहां पर कार्यकर्ता नहीं आ पाए हैं। 4000 कार्यकर्ताओं के पहुंचने का यहां पर दावा किया गया था और उसी अनुपात में बसें मंगवाई गई थी पुलिस प्रशासन ने भी, लेकिन मोटे तौर पर 1000 से 1500 के करीब यहां पर कार्यकर्ता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर रेशियो क्या रहा, जहां पर 4000 का अनुमान लगाया जा रहा था, इंतजाम उस आधार पर किए गए थे, वहां पर 1000-1500 ही कार्यकर्ता आए। तो इस तरह में हालांकि भाजपा इसे सफल मान रही है लेकिन इसे सफल नहीं माना जा रहा है। जिस तरह से जेल भरो आंदोलन के दावे किए गए थे, कार्यकर्ताओं के जुटने के दावे किए गए थे, वो यहां पर पूरे होते आज नजर नहीं आए हैं। बढ़ते हैं आगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने यहां पर दावा किया है, प्रदेश भर में 1 से 1.25 लाख गिरफ्तारियां हुई हैं,
ये प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी का दावा है। सैनी ने जयपुर में 10,000 गिरफ्तारियों का दावा यहाँ पर किया है। सराफ और रामलाल शर्मा ने भी करीब इतनी ही संख्या पर बताई है, यानी कि 1,00,000 से 1.25 लाख गिरफ्तारियां यहाँ पर दी गई है। लेकिन क्या वाकई में ये दावे सही है, इसे लेकर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है मदनलाल सैनी, उन्होंने दावा जरूर किया है कि 1,00,000 से 1.25 लाख यहाँ पर गिरफ्तारियां भाजपा कार्यकर्ताओं ने दी है। इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे हुए थे। अगर हम पूरे प्रदेश की बात करते हैं तो, और सिर्फ जयपुर की अगर बात करें तो 10,000 गिरफ्तारियों की बात यहाँ पर कही गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भाजपा के जेल भरो आंदोलन से जुड़ी अहम खबर है, उससे भी रूबरू कराते हैं। पूर्व विधायक दिया कुमारी आज आंदोलन में शरीक नहीं हुई है। उनका आंदोलन में नहीं आना भी चर्चाओं में रहा है। दिया कुमारी दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व से मिलने गई हुई थी और कुछ की दलील ये भी है कि जब टोंक सवाई माधोपुर से टिकट लेना है, फिर जयपुर शहर की परंपरागत ब्राह्मण सीट से इत्तफाक किया है, और इसे लेकर ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिल्ली में उनकी मौजूदगी है, आलाकमान से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं। लोकसभा सीट को लेकर ही यहाँ पर चर्चा होगी और यही वजह थी कि उनकी मौजूदगी यहाँ पर नहीं है और इस जेल भरो आंदोलन में आज शामिल भी नहीं हुई है दिया कुमारी। बढ़ते आगे और एक अहम और दिलचस्प खबर से आपको रूबरू कराते हैं। कई बार जब जुबान फिसल जाए तो मुश्किल से माहौल को संभालना पड़ता है और मुश्किल से ही माहौल संभलता है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब भाजपा कार्यकर्ताओं की जुबान यहां पर फिसल गई। जेल भरो आंदोलन चल रहा था जब अशोक लाहोटी के साथ गिरफ्तारी के वक्त बस में बैठकर जा रहे थे ये कार्यकर्ता, तो वो बोलना कुछ और चाह रहे थे लेकिन धुन में बोल कुछ और गए। बोलना वो कुछ भी चाह रहे हो लेकिन जिस धुन में उन्होंने बोला वो बात हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा अशोक लाहोटी चोर है, उन्हें के साथ बस में जा रहे थे। बाद में उन कार्यकर्ताओं को थोड़ा एहसास हुआ अपनी गलती का कि इन्होंने गलती से क्या बोल दिया और उसके बाद तुरंत ही इस भूल को उन्होंने सुधारा, तब जाकर लाहौटी को कुछ सुकून मिला है। दरअसल सीक्वेंस ही कुछ ऐसा बना हुआ था कि उनकी जुबान फिसल गई और बाद में उन्होंने कहा कि हम तो हंसी मजाक करने लगे थे और उसी के कारण ही ऐसा हो गया। हालांकि इस बात को संभालने की कोशिश कर रहे थे तो इसे कह सकते हैं कि जुबान फिसली, लेकिन उस पूरे माहौल को वापस संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो आज देखने को यहाँ पर जरूर मिला है। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी के खजाने के मालिक अब टिकट की दौड़ में हैं। राम कुमार भूतड़ा की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने लोकसभा सीट का टिकट यहां पर मांगा है। राजसभा सीट से वो अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं और राजस्थान भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष है भूतड़ा जिन्होंने यहां पर टिकट की डिमांड की है। तो अब समझा जा सकता है विधानसभा में तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो 25 सीटें हैं लोकसभा की उसके दावेदार भी बहुत हैं और ऐसे में बहुत माथापच्ची यहां पर जरूर आलाकमान को आला नेताओं को करना होगा कि आखिर एक सीट से अगर इतने दावेदार हैं तो किसे किसे टिकट दिया जाए, किसे खुश किया जाए और ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए ताकि दूसरा भी उसका सपोर्ट करे। ये बड़ी चुनौती होगी आने वाले वक्त में, जरूर देखना होगा इसे। बढ़ते आगे, रुख अगली और अहम खबर का करते हैं। वंशवाद, सियासत और टिकट की दौड़। जयपुर की कांग्रेस में दिलचस्प नजारा आज देखने को मिला है जब महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी की दावेदारी यहां पर सामने आई। डॉक्टर राजकुमार के भाई राजपाल शर्मा ने भी दावेदारी यहां पर जताई है तो स्वर्गीय नवल किशोर शर्मा के पुत्र ब्रज किशोर भी इसी दौड़ में हैं। सोमेंद्र शर्मा की पत्नी अर्चना शर्मा भी इस दौड़ में शुमार है, इस टिकट की दौड़ में शुमार है और स्वर्गीय सुरेश शर्मा की विरासत से जुड़े हैं सुनील शर्मा, वो भी इस रेस में शामिल हैं। स्वर्गीय रामकिशोर व्यास के परिवार से रुपेश कांत हैं, वो भी इस दौड़ में शामिल है। तो पुरुषोत्तम भारती के भांजे सुरेश मिश्रा भी टिकट चाह रहे हैं। तो अब इससे समझिए कि परिवारवाद भी कितना ज्यादा हावी है कि अगर परिवार के ही कोई सदस्य है जो लंबे वक्त से इस राजनीति में है, पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो खुद ना सही लेकिन उनके परिवार के अन्य सदस्य जो है वो उन्हें टिकट की दरकार है, और ऐसे में कितना चुनौती भरा रहेगा ये जब यहाँ पर टिकट किसी एक को मिलेगी और उसके बाद उससे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि बाकी जिन्हें नहीं मिला है उन्हें भी साथ लेकर चलना है। बढ़ते आगे, चलिए बात करते हैं भाजपा के मिशन लोकसभा की, यानी भाजपा का भी मिशन 25 ही है। टिकट के दौर में बीजेपी नेता यहां पर शुमार है। अजमेर से बीपी सारस्वत हैं, सीआर चौधरी हैं, भागीरथ चौधरी हैं, सुरेश रावत हैं, अलका सिंह गुर्जर, ओपी भड़ाना, शत्रुघ्न गौतम यहां पर इस रेस में शामिल है। वहीं श्रीगंगानगर की बात करें, हनुमानगढ़ की बात करें, निहाल चंद मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश मेघवाल यहां पर शामिल है इस दौर में। बीकानेर की बात करते हो अर्जुन राम मेघवाल, निहाल चंद मेघवाल, विश्वनाथ मेघवाल इस रेस में है कि उन्हें बीकानेर से यहां पर टिकट मिल जाए। ये गणित है, ये जो नाम सामने आ रहे हैं 25 सीटों को लेकर वो हम आपको बता रहे हैं और ये बीजेपी का मंथन है जो नाम टॉप पे चल रहे हैं। जयपुर की बात कर ले तो यहां से रामचरण बोहरा जो पहले से ही यहां से सांसद है जीत चुके हैं और एक बार फिर से वो दावेदारी जता रहे हैं। महाराज बाल मुकुंदाचार्य की बात करें वो भी इस रेस में है। तो अरुण चतुर्वेदी, मोहनलाल गुप्ता, अशोक लाहोटी, सुनील कोठारी, संजय जैन, अखिल शुक्ला और अरुण अग्रवाल भी इस रेस में शामिल है ताकि उन्हें यहां से टिकट मिल सके लोकसभा का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक
दो या तीन नहीं, कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस रेस में शामिल हैं, क्योंकि अब लोकसभा की मिशन 25 के लिए वो 25 कैंडिडेट कौन होंगे उसे जरूर यहां पर समझना होगा कि आखिर किस पर मुहर यहां पर लगाता है आलाकमान, और इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। तो भाजपा के मिशन लोकसभा है, टिकट की दौड़ में यहां पर शुमार है नेता। राजसमंद की हम बात करें, यहां से हरिओम सिंह राठौर, भंवर सिंह पलाड़ा, हरि सिंह रावत, किरण माहेश्वरी, रामकुमार भूतड़ा, झालावाड़ से दुष्यंत सिंह, वसुंधरा राजे का भी नाम है यहां पर, कोटा बूंदी से ओम बिरला, गिरिराज सिंह, प्रहलाद गुंजल, प्रहलाद पवार, ममता शर्मा शामिल है। तो उदयपुर की बात करें, यहां से अर्जुनलाल मीना, प्रकृति खराड़ी का नाम है, चुनीलाल गरासिया भी इस रेस में शामिल है। वही डूंगरपुर बांसवाड़ा में कनक मल कटारा, मानशंकर निनामा, सुशील कटारा, मुकेश रावत है। चित्तौड़गढ़ से चंद्र प्रकाश जोशी और श्रीचंद कृपलानी का नाम यहां पर इस रेस में है, यानी कि वो भी टिकट की दरकार है, उन्हें भी टिकट की चाह रखते हैं वो, लेकिन अब मुहर किसके नाम पर लगती है ये तो आलाकमान ही तय करेगा, लेकिन यहाँ से पैनल किन नामों का जाता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। तो भाजपा के मिशन लोकसभा यहाँ पर जारी है, टिकट की दौड़ में कई नेता शुमार हैं, और जिस तरह से हम अलग अलग सीट को लेकर बात भी कर रहे हैं, दौसा की बात करें तो यहाँ से जगमोहन मीना, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना, रामकिशोर मीना और जसकौर मीना का नाम है। भरतपुर अहम सीट है, बहादुर सिंह कोहली, रामस्वरूप कोहली, शीला चंदन, नरेश जाटव, खेमचंद कोहली, ऋतु बनावत, राजपाल, यहां से इनका नाम है इस सीट के लिए। वही करौली धौलपुर की बात करें तो मनोज राजौरिया, बाबूलाल वर्मा, इंदु देवी जाटव, राजकुमारी जाटव, हट्टी राम बैरवा, एचएन बैरवा, रामकुमार बैरवा का नाम है। टोंग सवाई माधोपुर की बात करें तो यहां से सुखबीर सिंह जौनपुरिया, जो मौजूदा सांसद भी है, उनका नाम है, लेकिन दिया कुमारी भी है इस रेस में, जगबोहन मीना, जसकौर मीना, प्रभुला सैनी और प्रहलाद गुंजल भी इस रेस में शामिल है। यानी इस सीट से इतने नाम हैं जो इस रेस में है कि शायद उन्हें टिकट मिल जाए, लेकिन किसे टिकट मिलता है उनके काम पर भी निर्भर करता है जो मौजूदा है, और किस पर भरोसा ज्यादा जताया जा सकता है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है भाजपा की तरफ से जो भी जिताऊ कैंडिडेट होगा उसे ही टिकट दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और कौन सी सीट है उससे भी आपको रूबरू कराते हैं, क्योंकि मिशन 25 है तो पूरी 25 सीटें यहां पर अहम हो जाती हैं, और इस टिकट की दौड़ में शुमार और भी कई नेता हैं, उनके नाम भी हम आपको बताते हैं। अब चलिए अलवर सीट की बात कर लेते हैं, संजय शर्मा, रामहेत यादव, डॉक्टर जसवंत यादव, ज्ञान देव आहूजा का नाम है, वो दिलचस्पी भी रखते हैं यहां से चुनाव लड़ने को लेकर। तो वही जयपुर ग्रामीण की बात करें, राजवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, उनके आगे पीछे कोई और दूसरा नाम नहीं है, यानी एकलौता नाम है, यहां से जीत भी चुके हैं, सांसद भी हैं, और वापस इसी सीट से ही लड़ने की उन्होंने बात कही है। मिलवाड़ा की बात करें, सुभाष बहेड़िया, किरण माहेश्वरी, कालूलाल गुर्जर हैं, बाड़मेर से कैलाश चौधरी हैं, कर्नल सोनाराम हैं, प्रताप पुरी, अर्जुन राम मेघवाल हैं, प्रियंका चौधरी हैं। जालौर सिरोही की बात करें तो देवजी पटेल भी यहां से चुनाव लड़ने के लिए दिलचस्पी रखते हैं, पीपी चौधरी, ओटाराम देवासी, शंकर सिंह राजपुरोहित, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि सांसद ही हैं, राजेंद्र गहलोत, बाबू सिंह राठौर, अर्जुन सिंह उचियाड़ा, जसवंत बिश्नोई। पाली की बात करते हैं, यहाँ से पीपी चौधरी, पुष्प जैन, भैरा राम सियोल और खीवा राम चौधरी भी इस रेस में शामिल हैं, जो जोधपुर से चुनाव लड़ने की, पाली से चुनाव लड़ने की फिराक में है, शायद टिकट मिल जाए, उम्मीदें कोई भी कर सकता है, लेकिन फैसला तो आलाकमान को करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगली अहम खबर से रूबरू कराते हैं। एक बार फिर याद आई है वसुंधरा राजे की, प्रकाश जावड़ेकर को दौरों के दौरान वसुंधरा राजे की याद आई। जावड़ेकर को लगातार यहां से अपने दौरों में ये फीडबैक मिल रहा है कि वसुंधरा राजे के बिना काम नहीं चलने वाला है यहां पर। अब जावड़ेकर इस फीडबैक को आलाकमान तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जावड़ेकर की चिंता है 25 सीटें जीतने की। अभी भी दौरे कर रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर जो कि प्रभारी हैं, लेकिन जब वो दौरे कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, तो एक ही बात सामने आ रही है कि बिना वसुंधरा राजे के 25 सीटें जीतना संभव नहीं है, और इसलिए एक बार फिर से प्रकाश जावड़ेकर को वसुंधरा राजे की याद आई है, और इसलिए अब ये बात आलाकमान तक पहुंचेगी, तब शायद उतनी सक्रियता नजर आएगी वसुंधरा राजे की जो अब तक नजर नहीं आ रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लोकसभा चुनाव और जयपुर री जोड़ार, भाजपा नेताओं के लंच डिनर पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, जहां पर दिया कुमारी जयपुर में सबसे बड़ा बोझ दे रही हैं। राजवर्धन सिंह राठौर पत्रकारों के साथ लंच कर चुके हैं, मोहनलाल गुप्ता भी प्रमुख नेताओं को भोज दे चुके हैं, संजय जैन ने भी विदाई के साथ भोज दे दिया है, और सुमन शर्मा भी भोज दे रही है, लेकिन बता रही है इसे विशुद्ध रूप से पारिवारिक। अशोक परनामी ने जन्मदिन पर एक बड़ा भोज रखा था, और अब इंतजार आगामी दिनों में इस बात का है कि कौन कौन से और नेता हैं जो रख रहे हैं जोड़ार, यानी भोज का आयोजन किया जा रहा है, या एक कह सकते हैं कि एक गेट टुगेदर की कोशिश की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की कोशिश की जा रही है, इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, कुछ भी किया जाएगा उसे लोकसभा चुनाव से ही जोड़कर देखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे,
अगली खबर से रूबरू कराते हैं। किसान नेता रामपाल जाट का मूक मार्च आंदोलन जारी है। गहलोत सरकार ने सकारात्मक इसे लेकर दिखाया है अपना रुख। जाट की प्रत्येक मांग को सरकार ने माना है और किसान हित को सीएम ने रखा है सर्वोच्च स्तर पर। रामपाल जाट गदगद है सीएम के व्यवहार से, क्योंकि सीएम की तरफ से तो किसान की जो भी हित की बातें होंगी उसे वो सर्वोपरि रख रहे हैं, और यही वजह है कि रामपाल जाट है वो गदगद है, वो खुश है कि उन्हें इतनी प्रमुखता दी जा रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते आगे। किसानों के कर्ज माफी अभियान को लेकर भाजपा का जेल भरो आंदोलन। लोकसभा चुनाव के लिहाज से सुर्खियां बटोरने के हथकंडे के अलावा कुछ और नहीं है, ये कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। आज देर शाम अचानक उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की, और क्या कुछ कहा सीएम गहलोत ने आप भी सुने। उनके आंदोलन में कोई दम नहीं है। आंदोलन जब किए जाते हैं तब पब्लिक की ग्रीवेंसेस हल नहीं हो पा रही है। ये तो सरकार आगे बढ़ के उनके कर्जे माफ़ कर रही है, और कोई छोटा मोटा काम नहीं है। 16,000 करोड़ के कर्जे माफ़ होंगे और कैंप शुरू हो गए हैं, बहुत उत्साह है किसानों के अंदर। तो इसलिए ये खाली अभी चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, इसलिए अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए हम भी आपकी मांग उठा रहे हैं। इनको किसने रोका था? जो कर्जे हम माफ़ कर रहे हैं ये माफ़ कर सकते थे। 50,000 तक कर्जे माफ़ किए, उनके गेहूँ बकाए रह गए, उनके कर्जे हम माफ़ कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, जिन्होंने वापस ले लिया कर्जा वो भी माफ़ हम कर रहे हैं। इन्होंने कुछ कर्जा माफ़ किया, मान लो आधा बाकी रह गया वो माफ़ कर रहे हैं, और जिसके माफ़ हो गए कर्जे उसे दोबारा ले लिया है। तो हमने वादा किया था 30 नवंबर 2018 तक के कर्जे माफ़ करेंगे, तो हम उसको आधार बना करके उनके कर्जे माफ़ करें जिन्होंने पुनः कर्जा उठा लिया है 2 महीने पहले ही। इससे बड़ा फैसला कोई सरकार कर नहीं सकती जो हमने किया है। तो ये उससे बौखला गए हैं, इनके पास जवाब नहीं है। इतने इस प्रकार की ये धरने देने प्रदर्शन करने की बातें कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी में सबको छूट है कुछ बोलने का करने का। सर, सवर्ण आरक्षण को लेकर भी कह रहे हैं कि अभी तक लागू नहीं हुआ है प्रदेश में। सारे काम बिल्कुल टाइम बाउंड चल रहे हैं, एक के बाद एक। 1 रुपये किलो गेहूँ दिया हमने, आदेश जारी किया 1 मार्च से मिलने लग जाएगा। 3,500 रुपये प्रति माह जो दे रहे हैं, बेरोजगार भत्ता दे रहे हैं, उनका नाम लिखा है युवा संबल योजना, वो 1 मार्च से पेमेंट शुरू हो जाएगा। जो जो हमने कहा है वो करके दिखा रहे हैं, इसलिए ये बौखलाए वो लोग हैं। और कैंप बहुत शानदार चल रहे हैं सब जगह, जो रिपोर्ट आ रही है वो बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है। गुर्जर आंदोलन फिर से प्रदेश में हो रहा है। गुर्जर आंदोलन के हमने अपील की उन सब गुर्जर समाज के नेताओं से भी कि स्टेट लेवल पे कोई काम उनका बाकी रह गया है वो हम अविलंब करने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार हमें तत्पर रहती है, कोई भी आंदोलन करो उनकी क्या समस्या है स्टेट लेवल पर हल हो सकती है हम तैयार हैं, और केंद्र में हो सकती है तो उनको केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए, हम उनका साथ देंगे। ये बात